कुछ लोग विशेष रूप से रमजान को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कार्यक्रम क्यों बनाया गया है। ऐसे नेताओं को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो रमजान रखते हैं, इबादत करते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको बहुत आपत्ति है। उस समय तो होली भी आ रही है, कुछ दिन बाद चैत की नवरात्रा भी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको हम कहना चाहेंगे, पिछले साल कैराना का लोकसभा का उपचुनाव तो रमजान के महीने में हुआ था जहां तक मुझे स्मरण है, और वहां बीजेपी की हार हुई थी, वो लोग जीते थे। तो दर्जनों चुनाव त्योहार के समय होते हैं। हां, जिस दिन एग्जैक्ट त्योहार होता है उस दिन वोटिंग नहीं होती है, इसका इसकी ध्यान रखा जाता है। तो ये जो लोगों ने सवाल उठाया है ये उनकी हताशा है, ये हम कहना चाहते हैं।